Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you students? We hope that you all are fine and doing your studies well. So today we are going to start second chapter of functional biology. The name of second chapter is support and movement. And you, go, uh, and you know, uh, students, support and movement is the lengthy chapter. So we were dividing this chapter into the two main parts. First one, सपोर्ट इन प्लांट्स सेकेंड वन मूवमेंट इन प्लांट्स सो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में सपोर्ट इन प्लांट्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने तमाम टिश्यू सिस्टम प्लांट को किस तरीके से सपोर्ट मिलता है कैसे मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं कितनी टाइप्स के टिश्यूज होते हैं एंड उनकी वर्किंग कैसी होती है और कि, कितनी किस्म के प्लांट में ग्रोथ होती है कैसे ट्री ट्रंक्स बनते हैं कैसे हार्ब शर्ब्स पेरिनियल इनियल बाईनियल एनिमल प्लांट्स होते हैं तो ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था now the today's topic is the movement in plants right so we have to move towards our topic okay gee? now students our today's topic is movement in plants so first of all we have to understand the difference between the word movement and locomotion what is the difference between the word movement and locomotion the difference is that movement is the type of response which plant or any living organism show against the any irritability any any type of the sensitivity any type of the stimulus किसी भी सोर्स किसी भी चीज जो कि प्लांट के लिविंग ऑर्गेनिज्म के, के किसी भी एनिमल के सिस्टम के अगेंस्ट उसको अपने फंक्शन परफॉर्म करने में रिटेट कर रही हो सेंसिटिविटी शो कर रही हो और सही से रिस्पॉन्स कर, ना करने दे रही हो तो प्लांट उस स्टिमुलस के अगेंस्ट उस रिसोर्स के अगेंस्ट अपने जो एक्शन शो करता है दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट राइट नाउ द सेकेंड टर्म इज दी लोकोमोशन सो द क्वेश्चन इज आर आइज वट इज लोकोमोशन सो लोकोमोशन इज द टाइप ऑफ द मूवमेंट इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म और कवर द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जाते हैं तो ये क्या कहलाती है लोकोमोशन कहलाती है जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक ए, अपस्टेयर चले जाना या फिर सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड तक डाउन स्टेयर आ जाना तो ये क्या है ये है लोकोमोशन अगर प्लांट से हम कहें कि भाई प्लांट यहाँ पे रखे हुए हैं तो डबल वहां चले जाएंगे सो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते प्लांट्स ओनली शोइंग द मूवमेंट वो टचिंग इफेक्ट शो करते हैं किसी भी Stimulus का ना तो क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टिमुलस इज दी एक्सटर्नल सोर्स कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कोई भी ऐसा एक्शन जो कि प्लांट के प्लांट के बॉडी के सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है और उसको एक्टिवनेस शो करवा देता है और फिर प्लांट क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की रिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी के अगेंस्ट एक्शन जब शो करते हैं तो उस रिस्पॉन्सिव एक्शन को हम क्या कहते हैं मूवमेंट कहते हैं ठीक है तो प्लांट में अगर जैसे सनलाइट होती है दिन के वक्त तो क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो ओपन हो जाते हैं बिकॉज जो बर्ड्स हैं उनके लिए क्या है स्टिमुलस क्या है सनलाइट सनलाइट उनका स्टिमुलस है जैसे सनलाइट मिलती है फोरन से ब्लॉसमिंग ऑफ द फ्लावर हो जाती है राइट right? ऐसे ही प्लांट की बॉडी यानी स्टेम का रूट का लेंथ में इंक्रीज कर जाना उनके ट्री ट्रंक का इंक्रीज कर जाना ठीक है ये क्या है साइज में चेंज आ रहा है मींस मूवमेंट हो रही है और मोस्ट कॉमन एग्जांपल टचमिन और प्लांट जैसे हम उसको टच करते हैं उसका क्या होता है लीफ फॉरन से बंद हो जाती है ठीक है तो दीज ऑल आर दी टाइप ऑफ दी मूवमेंट और मूवमेंट प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ओके सो क्वेश्चन अराइज होता है कि वट इज द मूवमेंट सो द मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द रिस्पॉन्स टू इज कॉल्ड द मूवमेंट इट इज अ जर्नल टर्म विच मीन्स टू एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और द पोजिशन बाय अदर बॉडी और इट्स पार्ट यानी प्लांट की बॉडी के पार्टस का मूव करना ठीक है और उसका प्लांट की बॉडी के पार्ट्स का अपनी चेंज जो प्लेसेस है उसको ये चेंज कर लेना चेंज इन द प्लेस जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट की जब हाइट छोटी होती है तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो डाउनवर्डली होती हैं फिर स्टेम का साइज इंक्रीज हो, होता जाता है तो स्टेम टाइम भी आ, क्या करता है चेंज इन प्लेस हो रहा होता है अच्छा पोजीशन हो रहा होता है अब ऐसा नहीं कि वो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर जाए बल्कि क्या करता है सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है सो so, एक टर्म अभी मैंने यूज की रिटेबिलिटी ठीक है तो इरिटेबिलिटी क्या होती है इट इज द एबिलिटी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है जो की प्रोड्यूस करती है रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलस राइट सो द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड द इरिटेबिलिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी राइट सो वट इज द मूवमेंट इन प्लांट्स सो वी कंक्लूडेड दैट Any action taken by the living organism of the plant to reduce its irritability or the sensitivity produced by the stimulus is called the movement in plants. Okay? So now here are the uh, different types of the movement. Movement plant is two types: spontaneous movement and induced movement. This is paratonic movement. Okay? Spontaneous movement is because of the इंटरनल स्टिमुलस यानी जो स्टिमुलस होता है वो प्लांट की बॉडी के इनसाइड होता है जबकि इंड्यूस और पैराटोनिक मूवमेंट कौन सी होती है जिसमें जो स्टिमुलस होता है वो प्लांट की बॉडी के आउटसाइड पर होता है ठीक है यानी स्टिमुलस यानी वो सोर्स जो कि प्लांट की बॉडी में चेंज लेकर आने वाली है वो कहां पर है वो एनवायरमेंट में मौजूद है तो इस टाइप की मूवमेंट क्या कहलाती है पैराटोनिक कहलाती है और अगर वो सोर्स जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर चेंज लेकर आने वाली है वो कहां पर हो प्लांट की बॉडी के अंदर ही मौजूद हो तो वो क्या कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस और मूवमेंट और ऑटोनोमिक मूवमेंट राइट सो द ऑटोनोमिक मूवमेंट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स मूवमेंट ऑफ द लोको ग्रोथ एंड कर्वेचर एंड वेरिएशन मूवमेंट ठीक है जी अच्छा ग्रोथ एंड कर्वेचर की फर्दर टाइप होते हैं न्यूटेशन एंड डिनास्टिक मूवमेंट अच्छा जो पैराटोनिक मूवमेंट या पैराटोनिक मूवमेंट थ्री टाइप्स की होती है कौन कौन सी टाइप्स है ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्टिक मूवमेंट एंड डिनास्टिक मूवमेंट ठीक है ट्रॉपिक मूवमेंट की फर्दर टाइप्स है जियोट्रोपिज्म फोटोट्रॉपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म कीमोट्रोपिज्म एंड थीमोट्रोपिज्म जबकि टैक्टिक मूवमेंट की थ्री टाइप्स है फोटोटैक्टिक कीमोटैक्टिक एंड थर्मोटैक्टिक नेस्टिक मूवमेंट की फर्दर थ्री टाइप्स है निक्टीनेस्टिक मूवमेंट कीमोनेस्टिक मूवमेंट एंड सीजमोनेस्टिक मूवमेंट राइट गर्ल्स सो दिस इज द होल अबाउट द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट प्लांट्स में कितनी तरह की मूवमेंट होती है दो मूवमेंट होती है एक होती है ऑटोनोमिक जो कि ऑटोमेटिकली होती है इसको मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ जो सोर्स है जो स्टिमुलस है वो कहा प्लांट की बॉडी के अंदर है तो कोई एक्सटर्नल सोर्स तो एक्टिव नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट की बॉडी मूव करेगी हम इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहते हैं जबकि प्लांट की बॉडी को अगर एक्सटर्नल सोर्स की वजह से प्लांट की बॉडी मूव करती है तो क्या कहलाती है पैराटोनिक मूवमेंट कहलाती है राइट गर्ल्स सो वी आर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट सो देअर आर टू मेन टाइप्स आप लोग ने बात अच्छे से माइंड में रखनी है ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड द पेराटोनिक मूवमेंट सो द क्वेश्चन इज अराइज वट इज दूवमेंट राइट सो मूवमेंट विच अकर्डिंग टू द इंटरनल स्टिमुलस फैक्टर इनहैरेंट इन साइड द प्लांट बॉडी इट सेल्फ आर कॉल्ड द ऑटोनॉमिक और द स्पन्टेनियस मूवमेंट जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट कौन सी होती है जो प्लांट के इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती है प्लांट के इंटरनल स्टिमुलस क्या होता है प्लांट्स आर द लिविंग थिंग है प्रोटोप्लाजम हैव द डीएनए सो इनकी बॉडी में किसी भी किस्म का चेंज आ सकता है सो so, ये जो मूवमेंट है ये क्या कहलाती है ये कहलाती है स्पॉन्टेनियस और ऑटोनोमिक मूवमेंट क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनली हो रही है और इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो रही है राइट सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ दी ऑटोनोमिक मूवमेंट फर्स्ट वन इज द लोकोमोटरी मूवमेंट यानी लोकोमोशन शो करेगा सेकेंड वन इज दर्वेचर एंड थर्ड वन इज दर्गर मूवमेंट ओके जी न स्टार्टिंग द लोकोमोटरी मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ द होल प्लांट बॉडी इन विच प्लांट बॉडी प्लांट की बॉडी कंप्लीट भी मूव कर सकती है या प्लांट की बॉडी का कोई पर्टिक्युलर ऑर्गन कोई मटीरियल कोई केमिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाए तो ये मूवमेंट क्या कहलाती है लोकोमोटरी मूवमेंट कहलाती है यानी प्लांट ने क्या किया है लोकोमोशन को शो किया है सो द टाइप ऑफ द मूवमेंट इन विच होल प्लांट बॉडी और एन ऑर्गेनिक ऑर्गेन और द एनी टाइप ऑफ द केमिकल मटीरियल विद इन द प्लांट सेल विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, इज दिस क्लियर दे आर द टू टाइप्स ठीक है अच्छा जो लोकोमोटरी मूवमेंट होनी है लोकोमोटरी मूवमेंट में कोई ऑर्गन भी मूव कर सकता है ठीक है तो वो क्या कहलाएगी ऑर्गन लोकोमोटरी मूवमेंट कहलाएगी और अगर कोई केमिकल की वजह से हो रहा है तो वो क्या होगा केमिकल और द मटेरियलिस्टिक मूवमेंट कहलाएगी ठीक है जी इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे साइटोप्लाजम की जो स्टीविंग मूवमेंट होती है जिसको साइक्लोसिस कहते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल इज द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन ओके सेकेंड टाइप ऑफ द मूवमेंट इज विच इज ऑटोनोमिक मूवमेंट इज द ग्रोथ कर्वेजर राइट सो ग्रोथ कर्वेजर क्या होता है जब प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो रही होती है तो प्लांट की बॉडी के पार्ट्स में उसके शेप में चेंज आ रहा होता है ठीक है तो उसकी वजह से जो डिफरेंसेस आ रहा होता है वो क्या कहलाता है ग्रोथ करवेचर कहलाता है सो द चेंज इन द फॉर्म एंड द शेप ऑफ द प्लांट और प्लांट ऑर्गेन ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द रेशियो ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंस पार्ट आर कॉल्ड द ग्रोथ एंड द मूवमेंट सो देर आर द फर्दर टू टाइप्स न्यूटेशन एंड द नास्टिक न्यूटेशन क्या होती है इट इज अग्जैक मूवमेंट प्लांट में ग्रोथ हो रही है लेकिन कैसे हो रही है जिग्जैक्ट मैनर में हो रही है पहले एक साइड की लीव फॉर्म होती है फिर राइट हैंड साइड पर एक लीव फॉर्म होती है फिर लेफ्ट हैंड साइड पे फिर राइट हैंड साइड पे फिर लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज जस्ट लाइक दिग्गजैक मैनर तो क्या कहलाती है कहलाती है न्यूटेशन फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ द क्लाइंबर अराउंड द रोप ठीक है रस्सी के uh, गोभी कोई भी बेल या क्लाइंबर वगैरह की जो मूवमेंट होती है वो क्या खिलाती है वो न्यूटेशन खिलाती है सेकेंड वन इज द नेस्टिक मूवमेंट द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ अकर इन द डिफरेंट मैनर इन द प्लांट बॉडी देट इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट इट इज वेरी स्लो प्रोसेस राइट नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है प्लांट की बॉडी में राइट साइड से भी ग्रोथ हो सकती है फिर अगेन राइट साइड से ग्रोथ हो सकती है फिर लेफ्ट साइड से हो सकती है रेडियली ग्रोथ हो सकती है जिस तरीके से प्लांट में किसी भी साइड से ग्रोथ हो सकती है ठीक है तो ये क्या कहलाती है नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है ये कैसी होती है ये स्लो मूवमेंट होती है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती है एक कहलाती है एपिनेस्टिक और एक कहलाती है हाइपोनेस्टिक राइट When the faster growth occur on the upper side of the organ is known as the apinastic. Api means above, nastic move, nastic means change in the length of the shoot system or the root system. ठीक है, growth में increase हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा faster हो रहा है, upper side पर हो रहा है, तो क्या कहलाएगी apinastic? तो आप लोगों ने mind में रखना apy means above, ठीक है? ऊपर की साइड पे मूवमेंट होनी है हाइपोनेस्टिक सेकेंड क्या है हाइपोनेस्टिक वेन द फर्स्ट ग्रोथ अकर ऑन द लोअर साइड ठीक है कौन सी साइड पर होनी है नीचे की साइड पर यानी रूट सिस्टम की साइड पर होनी है या प्लांट की बॉडी के मेन जो उसका बेस है उस साइड पर होनी है तो क्या कहलाती है हाइपोनेस्टिक कहलाती हाइपो हाइपोमीन्स बिलो यानी शूट सिस्टम अबव है और शूट सिस्टम के नीचे का जो पोर्शन है वो क्या होगा वो बिलो सिस्टम कहलाएगा ठीक है और बिलो क्या होगी जो ग्रोथ होगी वो कहलाएगी हाइपोनेस्टिक ठीक है तो इस तरीके से प्लांट की बॉडी में दो तरह की नेस्टिक मूवमेंट होती है एपिनेस्टिक जो कि अबव नेस्टिक मूवमेंट होगी और दूसरी होगी हाइपोनेस्टिक जो कि बिलो नेस्टिक मूवमेंट होगी थर्ड टाइप ऑफ दी ऑटोनोमिक मूवमेंट इज द टर्गर मूवमेंट टर्गर मूवमेंट क्या होती है बॉडी का इंटरनल जो प्लाज होता है साइटोप्लाज्म उसका जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट होता है इसकी टर्जिडिटी की वजह से प्लांट की सेल में उसके साइज में उसके शेप में किसी भी किस्म का चेंज आ जाना लॉस और गेन की वजह से डेट इज कॉल्ड द टर्गर मूवमेंट द मूवमेंट अगर ड्यू टू चेंज इन द टर्जिडिटी एंड द साइज ऑफ द सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉस और गेन ऑफ वाटर कॉल्ड द टर्गर मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल टच वी नॉट जैसे ही हम उसको टच करते हैं उसका वाटर कंटेंट लॉस हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है वो फौरन से लीव्स क्लोज हो जाती हैं ओके जी ये था किसके बारे में ये था ऑटोनॉमिक इसकी थ्री टाइप्स हमने स्टडी की कौन कौन सी इसकी थ्री टाइप्स थी पहली टाइप थी लोकोमोटरी मूवमेंट जिसमें लोकोमोशन शो होगी दूसरी थी ग्रोथ कर्वेचर जिसमें ग्रोथ शो होगी तीसरी थी टर्गर मूवमेंट जिसमें टर्जिडिटी शो होगी लॉस और गेन ऑफ वाटर होगा ओके ऑटोनॉमिक मूवमेंट तो हमें अच्छे से समझ में आ गया अब हम स्टडी करते हैं पैराटोनिक मूवमेंट को राइट सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट प्लांट के मूवमेंट के हमने टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया पहली वाली ऑटोनोमिक और अब हम कौन सी हैं पैराटोनिक राइट पहले इसको स्टडी करते हैं देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ दी डेफिनेशंस ऑफ मूवमेंट राइट पैराटोनिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि एन्वायरमेंट में मौजूद एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती है यानी जो स्टिमुलस अवेलेबल है वो कहां पर है वो एनवायरमेंट में मौजूद है फॉर एग्जाम्पल सन फॉर एग्जाम्पल अर्थ ग्रेविटी फॉर एग्जाम्पल वाटर फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां पर है ये प्लांट की बॉडी का पार्ट नहीं है उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है बल्कि कहां पर है ये एनवायरमेंट में मौजूद है जब ये चीजें प्लांट के ऊपर एक्ट करेंगी तो प्लांट इसके अगेंस्ट किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स शो करना है ठीक है तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा पैराटोनिक मूवमेंट राइट सो द मूवमेंट अगर ड्यू टू द एक्सटर्नल आर कॉल्ड स्टूमिलानिक मूवमेंट एंड द दर नेम ऑफ द दैराटोनिक मूवमेंट इज द इंड्यूज मूवमेंट राइट गर्ल्स यू हैव टू कीप दिस थिंग माइंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड द पैराटोनिक मूवमेंट

पेराटोनिक मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट एंड द ट्रॉपिक मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में यह डिफरेंस है एक नॉन डायरेक्शनल है और एक डायरेक्शनल थी ठीक है जी सो नेस्टिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट राइट सो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्यूल प्लांट ने एक्सटर्नल स्टूमुलस के अगेंस्ट एक्शन तो शो करना है लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो नहीं करना किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना बल्कि जहां पर दिल चाहे प्लांट की शूट सिस्टम ग्रो कर जाए लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस एनवायरमेंट में मौजूद होना जरूरी है यूजली दिस मूवमेंट अगर इन दीवस और दैटल्स ऑफ द फ्लावर फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड है बर्ड की ब्लॉसमिंग ऑफ द फ्लावर का टाइम आ गया सन अवेलेबल है ड्यूरिंग द डे टाइम और इन द मॉर्निंग क्या होगा कि फ्लावर्स की ब्लॉसमिंग ऑफ द फ्लावर हो जाएगी जो बर्ड्स थी क्लोज बर्ड्स वो ओपन हो जाएंगी अब जो ली जो पैटल्स ऑफ द फ्लावर्स हैं ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओपन नहीं हुई है बल्कि हर एक डायरेक्शन में चली गई है पैटल्स राइट ऐसे लीव्स का प्लांट पर ग्रो करना उसकी ग्रोथ हो जाना वो क्या होता है नेस्टिक मूवमेंट होता है राइट सो दर आर द टू टाइप्स ऑफ द नेस्टिक मूवमेंट पहली खिलाती है फोटोनेस्टिक मूवमेंट और दूसरी क्या खिलाती हैप्टोनास्टिक मूवमेंट सो व्हाट इज द फोटोनास्टिक मूवमेंट द नेस्टिक मूवमेंट अकर ड्यू टू द लाइट फोटो मीन्स लाइट एंड नेस्टिक मीन्स द टाइप ऑफ द मूवमेंट ऐसी नेस्टिक मूवमेंट जो कि लाइट की वजह से होगी क्या कहलाएगी फोटो नेस्टिक कहलाएगी जैसे एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बताई कौन सी एग्जाम्पल मैंने कहा कि बर्ड है बर्ड को जैसे सनलाइट अवेलेबल होगी फौरन से सनलाइट की अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट की वजह से फौरन से बर्ड क्या हो जाएगी वो ब्लॉसमिंग ऑफ द फ्लावर हो जाएगी उसकी जो बर्ड क्लोज बर्ड थी वो एक कम्प्लीट फ्लावर में चेंज हो गई है उसके तमाम पैटर्न ओपन हो गए राइट सो द फ्लावर

छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म की टचिंग इफेक्ट की वजह से जो नेस्टिक मूवमेंट शो होती है दैट इज कॉल्ड है मूवमेंट द अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट इज दिक्टेस्टिक मूवमेंट निक्टीनेस्टिक इज द टाइप ऑफ द मूवमेंट व्हिच अकर इन द ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू डे एंड लाइट राइट रात और दिन के फर्क की वजह से प्लांट की बॉडी के ऑर्गन में जो मूवमेंट होती है वो क्या कहलाते हैं वो निक नेस्टिक मूवमेंट कहलाते हैं दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लीप मूवमेंट राइट इसकी एग्जाम्पल क्या है जैसे फ्लावर ऑफ ऑक्जेलिस है ठीक है और निकोटोनिया है ये क्या करते हैं ये निक्टिनेस्टिक मूवमेंट करते हैं और जैसे बहुत सारे जो बीन प्लांट होता है उसमें क्या होते है स्लीपिंग मूवमेंट होती है राइट right? सो so, ये सब क्या है ये स्लीपिंग मूवमेंट शो करती है अनदर टाइप ऑफ दी नेस्टिक मूवमेंट इज इ थेमोनास्टिक मूवमेंट राइट ये वो मूवमेंट है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस आने की वजह से प्लांट की बॉडी की या तो कोई वर्किंग उसके जो भी एक्शन ने परफॉर्म परफॉर्म होना है उसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज हो जाता है ठीक है टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से प्लांट की बॉडी में जो चेंजेस आती है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में चेंज आता है प्लांट अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेकर आते हैं वो क्या कहलाते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट कहलाते हैं राइट right? सो so, इफ द मूवमेंट वेन इंड्यूज बाय द चेंज इन द टेम्परेचर इंटेंसिटी दैट इज कॉल्ड द थर्मोनेस्टिक मूवमेंट राइट फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर राइजेस ऑफ ओनली थर्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड इज इनफ टू बींग एन ओपन क्रोकस राइट एग्जाम्पल है ट्यूलिप एंड द सेफ्रॉन प्लांट्स ठीक है इनकी बॉडी में चेंज आता है किसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से एनदर टाइप ऑफ द मूवमेंट इज द कीमोनेस्टिक मूवमेंट द मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट विच इज अकार ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सम केमिकल्स केमिकल एक्ट एज अ एक्सटर्नल स्टिमुलस राइट सो दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड द कीमोनेस्टिक मूवमेंट एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी कीमोनेस्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होती है एनवायरमेंट में मौजूद केमिकल की वजह से अगर चेंज आता है तो क्या कहलाती है कीमोनेस्टिक मूवमेंट कहलाती है राइट right? फॉर एग्जाम्पल जैसे सन डीज वगैरह होते हैं ठीक है तो सनडियू की जो लीव्स होती हैं विच रिस्पोंड्स टू प्रेजेंस ऑफ दी ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कम्पाउंड बाय बैंडिंग टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द लीव इनके पास नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जब वो जैसे ही सिक्रिएट होते हैं तो क्या होता है कि ये फौरन से बैंड कर जाती है राइट द दर टाइप ऑफ द मूवमेंट इज सीजोनास्टिक मूवमेंट इज ए टाइप ऑफ द मूवमेंट विच इन रिस्पॉन्स टू शॉक्ड बाय अ टच स्टिमुलस किसी भी किस्म का स्टिमुलस प्लांट की बॉडी को टच हुआ है तो प्लांट ने क्या करना है फौरन से एक्शन शो कर देना है इसकी एग्जांपल क्या होती है जैसे पुटी का प्लांट है ठीक है टच नॉट प्लांट है राइट और जैसे डैंडीलोन होता है जैसे ही कोई इंसेक्ट वगैरह आता है फौरन से डेंडिलोन बंद हो जाना होता है पिक्चर प्लांट है इंसेक्ट ने टच किया और फौरन से उसका पिक्चर एंड का जो लेड होती है पिक्चर की वो फौरन से पिक्चर की लेड क्लोज हो जाती है राइट सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ दिज्मोनेस्टिक मूवमेंट एंड सिज्मास्टिक और बाकी हमने जो पढ़ी कीमोनास्टिक सिज्मोनेस्टिक राइट फेरमोनेस्टिक ठीक है और इसके साथ हमने जो निकीनेस्टिक फोटोनास्टिक हैपटोनास्टिक ये तमाम जो मूवमेंट है ये कौन सी मूवमेंट है दीज ऑल आर द टाइप ऑफ द नास्टिक मूवमेंट और आप लोगों ने ये बात अच्छे से अपने माइंड में रखनी है कि नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट किसकी वजह से होती है ये होती है ड्यू टू चेंज इन द टारगेट चेंज इन ग्रोथ ओके द टाइप ऑफ द मूवमेंट इज द टेक्टिक मूवमेंट टेक्टिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है ये लोकोमोटरी मूवमेंट होती है विच आर इंड्यूज बाई द सम यूनि डायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुलसम इन द एनवायरमेंट आप लोगों ने ये बात अच्छे से अपने माइंड में रखनी है की हम पैराटोनिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं पैराटोनिक की हमने सबसे पहले नेस्टिक मूवमेंट टाइप पढ़ी थी अब हम पढ़ रहे हैं टेक्टिक मूवमेंट टाइप यानी स्टूमुलस कौन सा है स्टूम्युलस तो है तो ही एक्सटर्नल प्लांट की बॉडी के इन साइड नहीं है लेकिन टेक्टिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस है वो थी नॉन डायरेक्शनल टेक्टिक मूवमेंट कौन सी है यह है यूनियन डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी राइट और कैसे मूवमेंट होगी ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन भी हम इसको कहते हैं ठीक है और किसकी वजह से ये इंड्यूस होती है एक्शन और रिस्पॉन्स किसकी वजह से शो करते है बिकॉज ऑफ द यूनियन डायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुलस विच इज प्रेजेंट इन दी एग्जैक्टली गुड एनवायरमेंट में मौजूद होगा राइट सो देयर आर दर फर्दर थ्री काइंड ऑफ दी टैक्टिक मूवमेंट फोटो टैक्टिक मूवमेंट कीमोटेक्टिक मूवमेंट एंड दी थर्मोटेक्टिक मूवमेंट राइट फोटो टैक्टिक मूवमेंट इज द टाइप ऑफ द मूवमेंट इन विच रिस्पॉन्स टू द यूनि डायरेक्शन लाइट जैसे फोटो मीन्स लाइट तो अगर यूनि डायरेक्शन लाइट अवेलेबल है तो प्लांट ने क्या करना है प्लांट ने रिस्पॉन्स शो करना है और वो रिस्पॉन्स क्या क्या कहलाएगा फोटो टैक्टिक मूवमेंट कहलाएगा ठीक है जी अच्छा यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसे क्लेम आइडोमनास वगैरह मूव करते हैं और ये लाइट की साइड पे मूव करते हैं ठीक है और इनकी जो मूवमेंट होते हैं वो फो, फोटोटैक्टिक मूवमेंट होती है जितने भी हमारे पास यूनिसल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं राइट कीमोटैक्टिक मूवमेंट दिस इज द यूर डायरेक्शनल मूवमेंट मूवमेंट किसके टूवर्ड्स होगी द मूवमेंट टूवर्ड्स द केमिकल्स केमिकल्स किस साइड पे मूवमेंट होगी केमिकल्स की वजह से इन रिस्पॉन्स ऑफ द केमिकल्स सर्टन केमिकल्स ये मूवमेंट होगी और ये मूवमेंट क्या गलाती है कीमोटेक्टिक मूवमेंट कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ द एंट्रेजाइड ऑफ द ब्रायोफाइटा एंडा टूवर्ड द एग ठीक है अच्छा जो आर्चिगोनिया के अंदर जो एग मौजूद है वहां तक किसने पहुंचना है एंथ्रोसाइड ने पहुंचना है ठीक है एग को फर्टिलाइज करना ये मूवमेंट क्या कहलाती है कीमोटेक्टिक मूवमेंट कहलाती है थर्ड टाइप इज दर्मोटेक्टिक मूवमेंट व्हाट इज दर्मोटेक्टिक मूवमेंट थर्मो मींस इज द टेम्परेचर राइट और कौन सी मूवमेंट की है ये टेक्टिक मूवमेंट so, right? है सो द मूवमेंट ऑफ द लोको मोशन इज इन रिस्पॉन्स टू सर्टन यूनियन डायरेक्शनल टेम्परेचर स्टिमुलस राइट कौन सी क्या कहलाती है ये कहलाती है थर्मो टैक्टिक मूवमेंट राइट अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या इसकी है इसकी एग्जाम्पल है रेपिड रोटेशनल साइटोप्लाजिक मूवमेंट इन लीफ ठीक है जिसकी वजह से इंक्रीज इन द टेम्परेचर होता है और एलजी uh, के अंदर जो मूवमेंट होती है वो भी वार्मर प्लेसेस और कोल्डर uh, प्लेसेस की वजह से जो एलजी मूव करते हैं वो भी क्या होता है चेंज इन दी टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट शो करते हैं और मूवमेंट कैसी होती है समुड होती है इन रिस्पॉन्स टू दी सर्टन यून्यू डायरेक्शन टेम्परेचर स्टिम्युलस विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट ये आप लोग ने अच्छे से माइंड में रखना है ओके नाउ द थर्ड टाइप ऑफ दैराटोनिक मूवमेंट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट राइट ट्रॉपिक मीन्स द टर्निंग इफेक्ट अब ये मूवमेंट क्या है ये डायरेक्शन मूवमेंट है ये टर्निंग इफेक्ट शो करेगा टू द जिस साइड पर स्टिमुलस होगा उसी साइड पर प्लांट ने मूव कर जाना है राइट सो द ग्रोथ मूवमेंट विच अकर इन रिस्पॉन्स टू द यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड रिजल्ट इन द पोजीशनिंग ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस इज सेट टू बी द ट्रॉपिक मूवमेंट राइट किसी भी स्टिमुलस की डायरेक्शन में प्लांट अगर मूव करेगा तो क्या कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्निंग इफेक्ट मूवमेंट राइट ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखनी है कि ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि टर्निंग इफेक्ट शो करती है राइट सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट देयर आर दी फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जियोट्रॉपिक मूवमेंट कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड दीमोट्रॉपिक मूवमेंट राइट सो आप लोगों ने याद रखना है ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सी है द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द होल ऑर्गन टू वर्ड एंड अवे फ्रॉम स्टूम्यूल इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट इट इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्शनल मूवमेंट राइट सो पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट फोटो मींस लाइट एंड ट्रोप स द टर्निंग इफेक्ट सो ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सी है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिक वो मूवमेंट है जो कि प्लांट टू वर्ड्स द लाइट मूव करेगा क्या कहलाएगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगी द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये एक फिनम भी शो करते हैं द फिनना इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म दो तरह का होता है फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम की बात करते हैं स्टेम सनलाइट की साइड पे मूव कर रही है यानी लाइट की साइड पे मूव कर करिए सो दैट इज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म अर्थ ग्रेविटी होती है इसलिए वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहलाती है राइट right? तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म किसमें होती है रूट में होती है नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द मूवमेंट इज द जियोट्रॉपिज्म राइट सो द जियो मीन्स द अर्थ वियर एज ट्रॉपिज्म इफेक्ट ट्रोपोज मींस टर्न द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज कॉल्ड द जियो ट्रॉपिज्म प्लांट की बॉडी में अर्थ ग्रेविटी की वजह से जो चेंज आएगा जो टर्निंग इफेक्ट प्लांट शो करेगा दैट इज कॉल्ड द जियोट्रोपिक मूवमेंट सो देट इज ऑल्सो शोइंग ऑफ फिनोमिना देट इज कॉल्ड द जियोट्रोपिज्म तो जियोट्रोपिज्म क्या होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट के रिजल्ट में प्लांट जो एक प्रोसेस शो करता है दैट इज कॉल्ड द जियोट्रोपिज्म राइट right, एग्जाम्पल क्या है रूट की एग्जाम्पल रूट ने हमेशा कहां मूव करना होता है सनलाइट की साइड पे तो रूट मूव नहीं करती है कहां करेंगी अर्थ ग्रेविटी की साइड पे मूव करेंगी सो अगेन दियर आर द टू टाइप ऑफ दी जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव एंड जियोट्रॉपिज्मी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहां पर होती है रूट में होती है क्योंकि रूट ने जियोट्रोपिकली ही मूव करना है अर्थ सरफेस की अर्थ ग्रेविटी की साइड पे ही मूव करना है लेकिन क्या होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी होती है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन सी होती है शूट्स में शूट्स में क्या होता है स्टेम में क्या होता है स्टेम पे मूव करेगी अर्थ ग्रेविटी की साइड पे तो मूव नहीं करेगी कहाँ पे मूव करेगी एग्जैक्टली वो कहाँ पे मूव करेगी वो सनलाइट की साइड पे मूव करेगी तो हम इस फोनोमिना को क्या कहेंगे हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म जबकि रूट की मूवमेंट पॉजिटिव जियोट्रॉपिजम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव फोटोट्रोपिजम होती है स्टेम में नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होती है रूट में राइट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म नेगेटिव जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है रूट में नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होती है शूट में ओके थर्ड टाइप इज दी कीमोट्रोपिक मूवमेंट कीमिओट्रोपिक मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट की टाइप है कीमो मीनस द केमिकल्स वेर इज द ट्रोपोज मीन्स इज द टर्निंग इफेक्ट प्लांट ने टर्निंग इफेक्ट शो करना है किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करना है टूवर्ड्स द केमिकल राइट द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द सम केमिकल इज कॉल्ड द कीमोट्रोपिक मूवमेंट राइट और ये कौन सा फिनमिना शो करते हैं ये करते हैं कीमोट्रोपिज्म इसमें फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स ग्रेन पे मूव करेंगे एक की साइड पे मूव करेंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो पोलन ग्रेन की जो स्पम न्यूक्लिया की जो मूवमेंट है टू द एग ये क्या कहलाते हैं ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहलाते हैं क्योंकि जो ओवम होता है एग होता है वो प्रोड्यूस करता है सर्टेन केमिकल्स विच आर एसेंशियल किसके लिए एसेंशियल है वो है किसके लिए पोलन ग्रेन के लिए पोलन ग्रेन के, के पास जो स्पम न्यूक्लियर है उसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो कहाँ पे मूव करता है वो इन सर्टन केमिकल्स की साइड पे मूव करता है फोर्थ टाइप है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म यानी हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में हाइड्रो मीनस द वॉटर ट्रोपोज मीन्स द टर्निंग इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वॉटर स्टिमुलस क्या है वाटर स्टिमुलस है वाटर स्टिमुलस के रिजल्टेंट में जो प्लांट मूवमेंट शो करने है, वो क्या कहलाती है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है अगेन इट इज अगेन शोइंग द फिनना दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रोपिज्म फॉर एग्जाम्पल मिसाल जैसे रूट की जो वाटर एब्जॉर्प्शन है जहां पर पानी होता है उसी साइड पे रूट इन सर्चिंग ऑफ वाटर मूव करती रहती है सॉइल में सो so ये क्या है हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट की एग्जाम्पल है फिनमिना क्या शो करते हैं ये ये शो करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म राइट सो द ग्रोथ ऑफ द रूट टू वर्ड द वॉटर इज ड्यू टू दॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड द शूट नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म अब जो लीफ है वो कहाँ पे मूव करेंगी वो सनलाइट की साइड पे मूव करेंगी तो क्या शो करेंगी नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म मूव शो करेंगी वो राइट एंड द फिफ्थ वन टाइप इज दाइड थे क्या होते टर्निंग इफेक्ट है टचिंग एंडिंग इफेक्ट सो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिम्य टचिंग ऑफ द लिविंग थिंग ऑफ एनी ह्यूमेन एनिमल किसी की भी टचिंग की वजह से हो सकता है आर कॉल्ड द थेमोट्रोपिज्म फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ द क्लाइंबर राइट क्लाइंबर की जो मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती है वो थर्मोट्रोपिज्म कहलाती है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके सो गज दिस इज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर आज हमने प्लांट मूवमेंट के बारे में स्टडी किया तो प्लांट मूवमेंट को अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्लांट मूवमेंट कौन सी टाइप की मूवमेंट होती है प्लांट मूवमेंट होती है दो तरह की प्लांट ने मूवमेंट शो करनी होती है अगेंस्ट अगेंस्ट एनी स्टिमुलस राइट किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट मूवमेंट किसी भी किस्म का एक्शन शो करना होता है जो कि मूवमेंट कहलाती है ठीक है क्योंकि लोकोमोशन तो प्लांट शो नहीं करते ठीक है ठीके? तो प्लांट मूवमेंट कितनी तरह की होती है दो तरह की होती है स्पॉन्टेनियस होती है ऑटोनोमिक ठीक है और इंड्यूस होती है पैराटोनिक जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ये होती है फर्दर थ्री टाइप की कौन कौन सी होती है लोकोमोटरी मूवमेंट होती है ग्रोथ कर्वेचर होती है और एग्जैक्टली exactly, ग्रोथ कर्वेचर के बाद टर्गर मूवमेंट ठीक है जी ये थ्री टाइप्स की मूवमेंट होती है जबकि सेकेंड है हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट और पैराटोनिक मूवमेंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री मेन टाइप्स की कौन कौन सी होती है ये ये होती है नेस्टिक मूवमेंट होती है टैक्टिक मूवमेंट होती है और ट्रॉपिक मूवमेंट होती है राइट ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि टर्निंग इफेक्ट शो करती है और टर्निंग इफेक्ट कैसे होता है टर्निंग इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस राइट सो सो होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो इज दियर एनी क्वेश्चन इज दियर एनी क्वेरी सो यू मस्ट हैव 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 टू टू आस्क मी मी यू यू मस्ट इफ एनी क्वेश्चन और आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स विद होप कि आपको सब समझ में आया हो Thank you girls for listening me. If you have any questions, so you must have to ask for me. Right? Best of luck and have a good day. Okay? Best of luck.